गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर हेल्दी एंड सेफ एट योर होम। टुडे वी विल डू चैप्टर 10, आई वी यू ही शी इट दे। ओके, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन। ये सब क्या है, ये वर्ड्स क्या है, सब प्रोनाउन। वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन की प्लेस पे वर्ड्स यूज होते हैं, नाउन की जगह पे यूज होते हैं, उनको बोलते हैं प्रोनाउन। अब ये देखिए प्रोनाउन कैसे यूज किया है। अली लिव्स इन पुणे, अली इज अ टेलर। अब यहाँ पे क्या है, क्या सेंटेंस बनेगा ये दोबारा, जब हम अली, अली क्या है, नाउन, नाउन की जगह के जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या बनेगा, अली लिव्स इन पुणे, ही इज अ टेलर। क्या यूज किया हमने, ही। सीता सैंग स्वीटली, सीता इज हेयर। यहाँ पे क्या है, सीता सैंग स्वीटली, शी इज हेयर। गर्ल्स के लिए क्या यूज किया, शी। बॉयज के लिए क्या यूज किया, ही। रमन हैज अ कैप, द कैप इज रेड। अब क्या बना सेंटेंस, रमन हैज अ कैप, इट इज रेड। थिंग के लिए हमने क्या यूज किया, इट। कैप क्या है, थिंग। अब ही शी एंड इट, ही शी और इट का यूज किसके होता है, जैसे ही इज यूज्ड फॉर ए बॉय और मैन। बॉय या मैन के लिए क्या यूज करते हैं, ही। शी इज यूज्ड फॉर गर्ल और वुमेन, गर्ल या वुमेन के लिए क्या यूज करते हैं, शी। एनिमल, थिंग या फिर कोई टॉय, गेम्स, किसी भी चीज के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इट। इट इज यूज फॉर एनिमल, थिंग और बेबी, एंड दिस इज टॉय। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे क्या हो गया, डॉक्टर का नाम भी डाल सकते हैं, एंड ही क्या हो गया, प्रोनाउन। ही इज अ प्लेयर, He is a Peter. अब girls के लिए she is Lisa, she is a teacher, she is a nurse. तो girls के लिए क्या use हुआ, she. Animals या thing, it is a bag, it is a dog, it is a baby. Okay? We write is with he, she and it. यानी जो singular he, she, it है उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, इज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।